हेलो एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउट आउट चैनल पर। और आज का जो डाउट है वो अजय भाई की तरफ से आया है, तो देखते हैं उनका डाउट क्या है और उसके सल्यूशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि है कि हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर, मीन्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मीन्स ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, और उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दिया गया है, और इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर हमें गिवन है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन का फील लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब उसके बाद हम सोल्यूशन देखें तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन का फील लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए वो सेमी सर्कुलर रिंग है और ये वो पॉइंट ओ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछी गई है। देखिए, इस एंगल से देखिए, अच्छे से दिखेगा, ये वो सेमी सर्कुलर रिंग है और एट अ डिस्टेंस ए जेड एक्सिस पे ओरिजिन से ये पॉइंट ओ लोकेटेड है जिस पर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पूछी गई है। अच्छा, तो आई होप सो फील आया होगा आपको क्वेश्चन का। तो अब मैं सल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए, अब देखिए, अगर मुझे इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, मीन्स किसी एंगल थीटा पर जाके एक छोटू सा चार्ज यहाँ पर dq प्रेजेंट होगा, और ये जो छोटू सा पोर्शन दिख रहा है उसका लेंथ कुछ dl होगा, और ये एंगल हो जाएगा d थीटा। एक छोटा सा एंगल d थीटा पर मैं गया, थीटा जाने के बाद एक छोटा सा एंगल d थीटा और बनाया, और इस छोटे से पोर्शन का चार्ज dq होगा, छोटू चार्ज, और उसका छोटू लेंथ dl। अब उसका फील ले लीजिए। देखिए, इस पर पूरी तरह से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस छोटे से पोर्शन में जाऊंगा किसी एंगल थीटा पर, और ये छोटू सा एलिमेंट डी थीटा पर जाऊंगा, तो फिर इसके अंदर एक छोटा सा चार्ज प्रेजेंट होगा, और ये बहुत ही छोटे पोर्शन का जो लेंथ दिख रहा है आपको वो कुछ डी एल होगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर ली है। अब देखिए, जैसे जैसे मैं थीटा वेरी करते जाऊँगा, मेरा ये जो रिंग पर चार्ज है वो पूरा कवर होते जाएगा, और फाइनली जब मैं थीटा यहाँ से यहाँ पूरा घुमा दूंगा तब इस रिंग पर जो पूरा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कवर हो जाएगा। तो इस वजह से इस थीटा वाले मेथड को हम यूज़ करते हैं। समझ रहे हो ना चार्ज एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और फिर उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर पाते हैं इस पॉइंट ओ पर। अब देखिए, मान लीजिए ये जो यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है वो है पॉइंट ए। अब मुझे इस पॉइंट ए का अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो कैसे लिखूँगा। देखिए, ये चीज़ आर है, मीन्स रेडियस जो है रिंग का। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। देखिए, ये पॉइंट ए जो है वो किसी डिस्टेंस x पर होगा और किसी डिस्टेंस y पर होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते हैं। अब देखिए, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, ये एंगल थीटा, ये x, ये y और ये r। तो देखिए, अगर मैं cos थीटा लिखूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो x अपॉन r, तो x की वैल्यू क्या आ गई, r cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लिखूँ इस ट्राइंगल से तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r, तो y क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। तो देखिए, ये जो x और y है उसे अब यहाँ पुट कर देते हैं तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a पॉइंट का, वो क्या हो जाएगा, देखिए x क्या है, r cos थीटा,
और ये क्या है, आर साइन थीटा। और क्योंकि ये तो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है रिंग, तो फिर इसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा। अब देखिए ये वाला पोर्शन आप समझ गए होंगे ये कोऑर्डिनेट हमने कैसे फाइंड किया, तो इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो छोटू सा चार्ज डी क्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डी ई, एक छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट ओ पर। और देखिए जनरल केस में जब अगर हमें ये नहीं दिया गया है कि चार्ज कैसा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज को ही लेकर चलते हैं। जब तक क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया है कि एक्चुअल में हमने पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है, तो जनरल केस में हम पॉजिटिव चार्ज ही लेके चलते हैं। और आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो अब देखिए यहाँ पर फील्ड लेने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये वो सेमी सर्कुलर रिंग है एक्स वाई प्लेन में, और इसके जस्ट सामने इस पॉइंट पी पर, सॉरी पॉइंट ओ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। अब यहाँ पर वो चार्ज छोटू सा डी क्यू प्रेजेंट है यहाँ पर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट ओ पर। तो वो कैसी आएगी, देखिए ये छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिख रहा है आपको, ये छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डी ई वैक्टर, क्योंकि वो जो छोटू सा चार्ज डी क्यू है वो छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई प्रोड्यूस करेगा। तो क्या फील आ रही है आपको, ये छोटू सा चार्ज देखिए वो जितना सा ये स्केल की लेंथ दिख रही है वो उतना सा डी क्यू चार्ज, और उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला ये छोटू सा डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ओ पर। क्या फील आई अब आपको, तो अब मैं वही वेक्टर बनाने जा रहा हूँ। देखिए इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डी ई, ठीक है, और ये जो वेक्टर है यहाँ पर मैंने आप सभी को दिखाया, यहाँ पर सॉरी देखिए यहाँ पर जो मैंने वेक्टर अभी अभी दिखाया, इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर ले रहा हूँ और इसका मैग्नीट्यूड आर रहेगा, स्मॉल आर। तो इस वेक्टर को मैंने आर वेक्टर मान लिया और जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसे मैंने आर ले लिया। तो अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट है वेक्टर का और ये फाइनल पॉइंट है वेक्टर का, जो डी ई वेक्टर आपको अभी मैंने बताया। इस पॉइंट ओ को मैं रफ कर देता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया था। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, देखिए ये इनिशियल पॉइंट और मान लीजिए बी मेरा फाइनल पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है और इसका कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी है, अभी मजा आएगा ना। या फिर देखिए ये इनिशियल पॉइंट ए है और ये मान लीजिए फाइनल पॉइंट बी है और इन दोनों का आप सभी को कोऑर्डिनेट गिवन है, तो फिर ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो वही देखिए अब आगे समझिए आप, अब मुझे इस डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर जो है उसे लिखना है। तो वो क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, तो वो बराबर ए ओ वैक्टर। अब अभी अभी मैंने बताया था कि कैसे लिखते हैं, अगर दो वेक्टर मीन्स दो पॉइंट गिवन है और उनके बीच का वेक्टर लिखना है तो देखिए अब कैसे हो जाएगा, ये फाइनल है तो ज़ीरो माइनस आर कॉस थीटा, तो माइनस आर कॉस थीटा आई कैप, ज़ीरो माइनस आर साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा जे कैप, और ए माइनस ज़ीरो प्लस ए के कैप। अब इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो आई होप सो वो आप सभी लोग लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आर कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस माइनस आर कॉस थीटा, सॉरी
माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ से फाइनली जो आ जाएगा मेरे पास वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स जो मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप सो ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आया होगा। तो मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। और यहाँ पे जो वेक्टर आर भी मैंने बनाया था वो भी लिख लेता हूँ, उसका जो पोजीशन वेक्टर मैंने वहाँ अभी लिखा था, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस ए के कैप। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो छोटू सा लेंथ डीएल दिख रहा है उसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर ये कोई आर्क है और इसका लेंथ अगर मैं एल मानूं और ये एंगल थीटा है और इस आर्क का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो कितना होता है, आर इंटू थीटा। तो देखिए, अब यहाँ पर ये जो आर्क है वो बहुत छोटू सा आर्क डी थीटा एंगल का है। देखिए ये जो एंगल है वो डी थीटा, और ये जो लेंथ है वो कोई डी एल लेंथ, और ये जो रेडियस है वो हमें पता है कैपिटल आर। तो फिर जो डी एल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। अच्छा, अब देखिए, अब जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो Q अपॉन L होता है, जहाँ पर ये Q जो है वो टोटल चार्ज है और L जो है वो कैपिटल L मीन्स पूरा लेंथ है। ये भी ठीक है। कोई भी शेप का अगर बॉडी दिया है उसका जो लेंथ है वो उसका टोटल लेंथ है यहाँ पर। अब देखिए, अगर मुझे छोटू सा चार्ज dQ लिखना है तो वो हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, और डी एल आप सभी ने यहाँ से निकाला अभी, dQ is equals to lambda into r d theta, इसे मैंने इक्वेशन वन ले लिया। और यहाँ से हमें जो dQ की वैल्यू है वो आ गई lambda into r d theta। तो इस पोर्शन को आप सभी ने समझ लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए, इसकी वजह से जो छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी क्यू चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो वो जो डी ई वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। समझ रहे हो ना? नहीं। देखिए, ये जो वेक्टर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जिसका डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मैंने आर कैप लिया है। तो देखिए, आप सभी को अभी ये तो पता होगा कि वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो फिर आर कैप यहाँ से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो इस चीज़ को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, k इंटू डी क्यू डिवाइड में r क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, अब ये d वेक्टर आ गया आप सभी के पास, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब मैं इस डी क्यू के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, k इंटू लेमडा r d थीटा डिवाइड में r क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ डी वेक्टर हमें मिल गया है के लैम्डा आर डी थीटा वेक्टर आर डिवाइड में आर क्यूब। अब देखिए,
मैं क्या करता हूँ, आर वेक्टर की वैल्यू को यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो के लैम्बडा आर डी थीटा माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस ए के कैप। तो यहाँ तक क्लियर है, और डिवाइड में आर क्यूब। अब देखिए ई नेट जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई वेक्टर। अब मीन्स इसका इंटीग्रेशन जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा हमें, तो अब इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है, के लैम्बडा आर डी थीटा माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस ए के कैप डिवाइड में, ये इंटीग्रेशन के अंदर ये पूरा टर्म आर क्यूब। अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आर की वैल्यू हमें पता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन डी है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन के लैम्बडा आर डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ और इस पूरे की पावर थ्री। देखिए आर की वैल्यू तो ये है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ और इस r की पावर 3 है, तो वो इस पूरे के साथ पावर में 3, और ये d थीटा माइनस r cos थीटा i कैप माइनस r sin थीटा j कैप प्लस a k कैप। तो अब मैं इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ, इसका काम नहीं है, अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो अब देखिए k लैम्बडा r और ये वाली टर्म कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगी, तो k लैम्बडा r डिवाइड में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कैसे आया, ये देखिए हाफ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में है, दोनों ही पावर में, तो मल्टीप्लिकेशन होंगे तो 3/2 हो जाएंगे, और ये पूरा टर्म ये कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर ले लिया, और अंदर ये सिर्फ रह जाएगा माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस ए के कैप डी थीटा। अब देखिए इस पूरे को मैं एक कांस्टेंट k डैश असाइन कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, k डैश इज इक्वल्स टू k लैम्बडा r डिवाइड में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल की पावर 3/2। तो देखिए इस पूरे की वैल्यू मैंने k डैश ले ली, तो इसे रफ कर देता हूँ, के डैश। अब देखिए अब अंदर जाता हूँ और इंटीग्रेशन करता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, एक एक टर्म को इंडिविजुअली लिखता हूँ, माइनस ये वाला बाहर लिया मैंने, आर कॉस थीटा डी थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा डी थीटा जे कैप इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ए डी थीटा के कैप। अब देखिए जो इंटीग्रेशन डी है वो मेरा टोटल ई नेट वेक्टर है, तो अब मुझे बस लिमिट डिसाइड करनी है और इंटीग्रेशन करके इसका फाइनल आंसर देना है। तो अब लिमिट सोचते हैं क्या होगा। अब देखिए ये जो थीटा है वो इनिशियली 0 था, और फाइनली मैं पूरा पाई डिग्री घूमूंगा तो ये पूरा रिंग कवर हो जाएगा, तो जो थीटा है उसका लिमिट क्या होगा, 0 से पाई
जीरो से पाई। तो क्या ये लिमिट कैसे डिसाइड किया वो आपको समझा? तो अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ, देखिए इज इक्वल्स टू के डैश। अब देखिए ये आर तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा रहेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा आई कैप, एक मिनट यहाँ पर देखिए इसकी लिमिट लगा देता हूँ जीरो से पाए आई कैप। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और वो माइनस इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा? कॉस थीटा आर कॉस थीटा, और इसकी लिमिट जीरो से पाए जे कैप। और देखिए डी थीटा का इंटीग्रेशन तो सिंपल थीटा होगा, तो ए इंटू थीटा और इसका लिमिट जीरो से पाए के कैप। अब देखिए आपको बस लिमिट पुट करनी है और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर के डैश माइनस आर, अब देखिए साइन पाए माइनस साइन ज़ीरो हो जाएगा ये जब मैंने लिमिट को पुट किया तो, और फिर यहाँ देखिए प्लस आर कॉस पाए माइनस कॉस ज़ीरो डिग्री प्लस ए पाए माइनस ज़ीरो के कैप। आई होप सो यहाँ तक कैसे आए आप सभी को समझा होगा। अब मैं इस ऊपर वाले पार्ट पर रफ कर देता हूँ। अब देखिए फाइनली जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो देखिए जो इनेट है वेक्टर वो क्या हो जाएगा? देखिए के डैश एज इट इज। अब देखिए साइन पाई कितना होता है? ज़ीरो, और साइन ज़ीरो भी ज़ीरो, तो ये आई कैप वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। अब यहाँ देखिए आर इंटू कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता है? माइनस वन, और उसके साथ माइनस कॉस ज़ीरो की भी वैल्यू वन, तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू माइनस वन माइनस वन। कौन सा टर्म है? जे कैप वाला टर्म है। प्लस ए इंटू पाए माइनस ज़ीरो मीन्स पाए, तो ए इंटू पाए के कैप, तो ये क्या हो जाएगा? के डैश माइनस टू आर जे कैप प्लस ए पाए के कैप। अब फाइनली आप के डैश की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। Boys, relax, relax. तो आई होप सो ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा और मैंने अच्छे अपने एंड पर तो अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डाउट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करें और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।